मैंने बुलाया है ये बहुत ही सुंदर सा मेकअप बॉक्स। तुमने आटे की रोटी खाना तो खिलाएंगे, मटर पनीर तो खाओगे खाओगे, साथ में झाड़ू निकाल के जाओगे। Hey my YouTube family, so आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स में। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30। आज भी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग देर से की क्योंकि आप देख सकते हो मेरे कपड़े कितने सारे इधर ये धुले हुए हैं और इधर सूख रहे हैं, मतलब सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, इतनी धूप निकलने के बाद भी सूखने का नाम नहीं ले रहे। आज कपड़े भी बहुत देर से धुले, आज मैंने यहाँ पे बाहर कपड़े धोए और खाना भी आज दाल बाटी बनी थी, मम्मी का टाइम आया हुआ है तो बड़गांव खाना पहुँचाया, खाना देने गए तो उसके पापा खाना देकर आए और अभी गए हैं इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। अब पता नहीं कौन जीतता है, क्या मैं किसकी साइड हूँ, आप किसकी साइड हो, पहले तो ये बताओ आपको क्या लगता है मैं किसकी साइड हूँ, कमेंट में बताना है ना, और आप किसकी साइड हो ये भी कमेंट में बताना। और ये लड़की ने ना मेरा मंगलसूत्र छुड़ा लिया है जो कि पहन पहन के घूम रही है। मैंने कल नाइट से अपना मंगलसूत्र निकाल दिया था, इसने खींच लिया था, एक तोड़ दिया लंबी वाली, तो वो मैं मम्मी के घर जाकर रख रही, मतलब गोल्ड है बाबा इधर उधर घूम जाए मोती घूम जाए, तो मम्मी के लॉकर में जाकर रख रही हूँ। और सेकेंड ये लेके घूम रही है, ये तो ऐसे ही नकली है आर्टिफिशियल, ये लेके घूम रही है, वो सुंदर लगता है ना यार बजटी टाइप में। और इधर हमारे आकाश सर लोट पोट कर रहे हैं घर में, झाड़ू पोछे हो चुके हैं, दाल बाटी हो गई है ज्यादा, अब उसको बचाने के लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। कैसी लगी दाल बाटी? एक नंबर, फीकी थी ना, अच्छी टेस्टी। ये लोग ना फीका खाते, इनके बदले आज मेरे को पूरा खाना फीका बनाना पड़ा। दाल बाटी बनी जो कि इतनी फीकी बनी थी और खट्टी बिल्कुल नहीं थी, ये लोग फीका और खट्टा नहीं, ओ चरका और खट्टा नहीं खाते हैं, इस वजह से मेरा खाना आज बहुत ही ज़्यादा मतलब सा फीका फीका सा बना था। और इधर मेरा पानी के बर्तन निकल चुके हैं बाहर, अनिक गाड़ी का वेट कर रही हूँ आ जाए बस। बस आ रहा। आज ना मैंने भाभी के घर का खाना बनाया था, भाभी की तबीयत ख़राब थी इस वजह से, मिला के रहने तो मैं बना के दे दूँगी, नाइट में भी देखती हूँ नहीं तो मैं ही बना के दे दूँगी। नाइट में तो ऐसे हमारे घर फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो उन सब का खाना बनेगा। और टुइया मंगलसूत्र दे दे, अब तो दे दे प्रिंसी, बुलाओ प्रिंसू के पापा को बुलाओ। ओ दीदी आपके हाथ पाँव में कीड़ा है। कहाँ है कीड़ा? ये रहा। ए इतने से कीड़े से क्या डरना, तेजल तू भी पानी वाला दे, गाड़ी उल्टी उल्टी लेकर आ रहे। पता है मैंने ना पानी लिया एक दिन तो मतलब ये पानी अंदर रखने गई और भूल गई कार्ड लेने, तो उसने मेरे को कार्ड वापस नहीं दिया गाड़ी वाले ने, अब बोल रही भैया मेरा कार्ड है तो ना हमारे पास तो है नहीं, अब कार्ड पे नाम तो आता नहीं है, ले लिया, उसमें रिचार्ज भी किया हुआ था 300 रुपये का गया मेरा कार्ड, दो बार पानी लिया था, रिचार्ज भी जाने ही दो, अब नहीं लूँगी, अब डायरेक्ट पैसे देती हूँ और पानी लेती हूँ। मेरे सामान को तो तू हाथ ही मत लगा, लिपस्टिक वाली सीधे रहे ना दात रही। सभी मैंने बुलाया है ये बहुत ही सुंदर सा मेकअप बॉक्स जिसको मैं आपको बताती हूँ कि कैसा क्या है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। ये मेकअप वो 53 का, तो 53 में तो बहुत ही सुंदर मिल गया, इसमें साइड से ना जिप भी है, बताने देगी बेटा? हाँ दे दे, मैं तो लाख का ना सबसे खतरनाक, तो दे दो आप इसमें, यहाँ पे आपका कुछ भी सामान रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, आपको इसके साथ एक इस टाइप का कार्डबोर्ड मिलेगा जो आप इसके अंदर रख के एकदम से बोलते हैं ना अच्छे से स्पेस बन जाती है, इसमें एकदम घिचुड़ पिछुड़ हो जाता है। और साइड में भी जिप दी हुई है जिसमें आप आपके लिपस्टिक ब्रश वगैरह रख सकते हो, इधर के साइड भी जिप है और इधर के साइड भी जिप है, उधर देख लो ये दोनों साइड जिप दी हुई, आप आपके ब्रश लिपस्टिक कुछ भी सामान बॉटल वगैरह सब रख सकते हो, क्योंकि देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसमें, छोटे छोटे हैं थोड़े, तो इसमें आप बॉटल्स वगैरह सिर्फ कुछ भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मैंने यहाँ पे खरगोन में भी बहुत जगह देखे बट इस टाइप के बिल्कुल नहीं थे, नॉर्मली ऐसे वैनिटी बॉक्स वगैरह थे, पहले ना मैं अपना सामान ऐसे पर्स में और इस बॉक्स में रखती थी वैनिटी बॉक्स में, बट अब नहीं, अब मैं इसमें सारा सामान जमा हूँ, तो फटाफट से सारा सामान इसमें रखते हैं। एक बात तो मैं बताऊँ, ये देखो कितना बड़ा है, ये देख सकते हो, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा है, इसमें आपके ना एक ड्रेस तो इजीली आई जाएगी, और मेरा ट्राइपॉड छोड़ दे वरना ऐसे चाटे भी पड़ जाएंगे, यहाँ दर्द बहुत हो रहा है, पता नहीं भाभी जैसी प्रॉब्लम मेरे को नहीं आ जाए, सूझ जाए।
सुबह से उठी तब से दर्द हो रहा। प्रिंसी ट्राइपॉड छोड़ दे, प्रिंसी छोड़ दे। तभी मैं इसमें सारा सामान जमा लेती हूँ। साइड में ना लिपस्टिक्स रखूँगी क्योंकि औलाद को दिखेगी नहीं और ये लेगी नहीं, है ना प्रिंसी? क्या लड़की है भगवान मेरी, किसको अच्छी है ले जाओ इसको उठा के, सब बोलते हैं हमको दे दो हमको दे दो, पर कोई लेके नहीं जाता। तेरा कुरकुरे खा दोगे, खा दे। तू किसके साथ जाएगी? आप हंडे डा साथ की मम्मा साथ उपो साथ जाएगी। मैं रखती सब कुछ पर यूज एडमिन चीज करती, मेरे पास आपको मेकअप फिक्सर वगैरह सब मिलेगा, सब ए टू जेड। पर लगाने का टाइम मेकअप तो डियो डियो थोड़ी ना बेटा, वो मेकअप फिक्सर है, इसकी एक्सपायरी चेक करना पड़ेगी। कंपनी का माली होगा 2022 एक्सपायर हो गया ना, पानी बन गया जब से एक बार भी उड़ नहीं किया, पूरा पेक का पेक इसको फेंकेंगे हम। मालियो जा डस्टबिन नहीं फेंकना मत, क्या रख के रखेगी इसको, नहीं फेंकना है मेरे लिए। तो चलो पहले मैं फटाफट से सामान जमा लेती हूँ, मेरा ब्लॉग ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। एवरीवन तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, प्रिंसी सोई है और मैं बना रही हूँ खाना अभी से, देख सकते हो इतने आटे की रोटी मैं बना रही हूँ। तो सोई है तो मतलब अभी से ही भीड़ जाती हूँ। आज बनेगी मटर पनीर की सब्जी और रोटियाँ। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों, आज ना कुछ फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते, बोले भाभी मटर पनीर की सब्जी खाना है, बोले ठीक है भाई, और बोले बटर रोटी खाना है तो अब उनके लिए बारीक बारीक बटर रुमाली रोटियाँ बनेंगी, वही बनाते हैं। सत्यम भैया गए हैं पनीर और ये सब लेने के लिए, मटर तो है मेरा, मटर मत लेकर आओ, पनीर टमाटर और प्याज लेकर आओ क्योंकि मटर पनीर की सब्जी में प्याज ज़्यादा डलती है, टमाटर डलते हैं, तो उस हिसाब से बनाना पड़ेगी ग्रेवी। तो चलो प्रोसेस में लग जाते हैं, पहले रोटियां बनूंगी, सब्जी तो झटपट बनी जाती है। गूंद लिया है मैंने और ना मैं रोटी का जो लतावन जो होता है पत्थर उसको मैं अलग से रखती हूँ, देख सकते हो डब्बे में मिक्स नहीं करती हूँ, अलग से रखती हूँ। फिर कोई आटा लेने वाले आते हैं, बाबा आते हैं तो उनको फिर अपना झूठा आटा तो अच्छा नहीं लगता, तो इसमें रखती हूँ मैं पत्थर। तो चलो रोटियां बेलते हैं। इतने इतने लोहे की रोटी बनाऊंगी और इतने आटे की तो कब बनेगी, फिर भी मैं एक ही साइज की रोटियां बनाऊंगी। तो तुम इनको अच्छे से बांध लेती हूँ, तो अभी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है और खाने में बाल आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें सारी रोटियां बना लेती हूँ,
पतली पतली बनाऊंगी पर फुल साइज की बनाऊंगी नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा मुझे। इधर राजीव भैया से काम करवाया जा रहा है, खाना तो खिलाएंगे, मटर पनीर तो खाओगे खाओगे, साथ में झाड़ू निकाल के जाओगे। लाडा झाड़ू कौन निकाल रहा है, मुंह तो बता दो जरा, झाड़ू निकालने वाले सर गौर से देखे इस शख्स को। खाना बनाया है, झाड़ू निकाल रहे हो और क्या करो, पोछा लगा जाना, क्यों क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ले उठा। सो ये चार जन आए थे हमारे घर खाना खाने के लिए, ये बीच में थे। बाय प्रिंसी, अभी चले खाना खा के, प्रिंसी पहले बाय कर रही है ना पिंची, खाना खाया नींबू पानी पिया, आहा मजा आ गया, दूध चाहिए दूध, सब हम पियेंगे दूध, सारे हम नहीं प्रिंसी पिएंगे दूध, फिर सिलाती इसको, इसके आहो डेटा भी आ चुके हैं, हाँ फिर सोएंगे मस्त चाय पीते हैं। हाँ डेटा आ गई एवरीवन। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मेरी आज तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, पता है बुखार वगैरह कहीं नहीं है मेरे को, एकदम से ना यहाँ से दर्द स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ पे और ये पूरा दर्द कर रहा है, इधर के भी ये दर्द कर रहे हैं, ज़्यादा इधर दर्द कर रहा है, इसकी वजह से सर भी दर्द कर रहा, आँखें भी दर्द कर रही, कान भी दर्द कर रहा है और एकदम हरारत से आ रही, बोल रही हूँ ना तो ये भी दुख रहे हैं। भैया वगैरह ये लोग आए थे, उनके सामने नहीं बोला, नहीं तो बोलेंगे भाभी बीमार है और भाभी से खाना बनवा रहे, तो मैंने बोला कि उनके सामने कुछ बोलती नहीं, वो गए उसके बाद से तो ज़्यादा ही और ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही, पंखा बंद है फिर भी देखो ठंड इतनी लग रही है, एकदम से सी ठंड लग रही है, आँखें फटने की कर रही सी दुख रही यार, नहीं ये परेशान कर रही है, 1.5 घंटे से परेशान किया, वो भैया ना आए, खाना वगैरह खा लिया सब हो गया, तब से परेशान कर रही है, दूध लेके कब से बैठी हूँ, खाना खा लिया ना उसके बाद से दूध लेके बैठी, प्रिंसी दूध पी ले, प्रिंसी दूध पी ले, प्रिंसी दूध पी ले, नहीं 9:30 बजे से दूध पिलाने बैठी हूँ, 11 बजे तक बैठी पर नहीं पिया, और आखिरी बोलती अंदर पीना, अंदर लेके तो कटोरी को लात मार दी, पूरा दूध ही दूध, देखो यहाँ पे पूरा दूध गिराया था और नीचे भी सब भी साफ किया मैंने, चेंज किया। मुझे तेरी मुट्ठी में क्या है, कमल का फूल, कौन जीता, कमल का फूल, बल्लू दादा, कौन जीता लाडो, ये बात बल्लू दादा, लाडो 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 कौन जीता, कमल का फूल, कौन जीता, पिंची के दादा, वीडियो मत बना ये तो उसमें की औलाद। सो आज का ब्लॉग बहुत छोटा था पर जैसा भी था ठीक है, ज्यादा शूट ही नहीं कर पा रही थी ना, परेशान ज्यादा थी मैं, सभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बाय बाय गुड नाइट।